तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं कस्टम फॉर्मूले की, मतलब कि खुद से बनाए हुए फॉर्मूले। तो हम बात करते हैं कि फॉर्मूले के लिए सबसे पहले क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए जरूरत, कि आपकी फॉर्मूले की क्या जरूरत है। क्योंकि अगर आपका जो जरूरी है अगर वो फॉर्मूला पहले से अवेलेबल है तो आप फॉर्मूला क्यों बनाए। अब पहले से अवेलेबल फॉर्मूला आपका लेंथी है या फिर आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं देता है, देन आप एक नया फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें उस खामियों को दूर करेंगे। तो आपके सामने मेरे पास एक सिंपल सा डेटा है, नेम और सिटी क्वांटिटी दिया हुआ है। और यहाँ आप देखिए टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूले, जी हाँ टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूले से हमने क्या किया हुआ है कि हमने जितने भी डेटा है इसकी जैसे पूजा अगर जितना बार रिपीट हुआ है वो सारे रिपीट की गई वैल्यू को हमने यहाँ पे मर्ज किया है इस तरह से। नॉर्मल वी लुकअप से तो हमारा पहला वैल्यू देता है, तो हमने टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूले इस्तेमाल करके और उसके अंदर एरे का इस्तेमाल करके हमने पूजा के अगेंस्ट में जितनी भी वैल्यू थी उसको कॉमा कॉमा करके यहाँ पे ले आया। बट ए एरे के थ्रू हुआ है। दूसरी चीज के ऑफिस 365 में इम्पॉसिबल है, उससे पहले वाले वर्जन में पॉसिबल नहीं है। जितेंद्र जी गुड इवनिंग, क्या हुआ लेट हो गया आज आप? हेलो जितेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, नॉट ऑडिबल हो रहा है। तो मुझे इसी तरह का फॉर्मूला चाहिए कि जो किसी भी सेल वैल्यू को लुकअप करे और उसके जितने भी वैल्यू है उसके अगेंस्ट में कॉमा कॉमा करके यहाँ पे डाल। तो नीट समझ में आ गई। उसके बाद हम डेवलपर में चलते हैं और जाते हैं मॉड्यूल्स में, इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स को और यहाँ देते हैं फॉर्मूला का नाम, देते हैं फंक्शन। जैसे सब्जेक्ट से आप माइक्रो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ आपका किससे स्टार्ट होता है? फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शंस अब आती है नाम फॉर्मूला। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने ए लुकअप मतलब कि ऑल लुकअप नाम का फॉर्मूला बना दिया। इसमें नाम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन नाम देते समय नेमिंग मेथड जो मैंने आपको माइक्रो में बताया था उस मेथड का ध्यान रखिए। ओके, अब बात आती है दूसरा इनपुट की, फॉर्मूले में क्या इनपुट होगा। अब यहाँ पे नीरज जी समझ जाइएगा, ध्यान से देखिएगा इनपुट क्या होता है। जैसे कि आप वी लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं ना तो उसमें क्या देते हैं? आप देते हैं लुकअप वैल्यू, रेंज, कॉलम नंबर एंड एग्जैक्ट मैच है या नहीं है, देते हैं ट्रू एंड फॉल्स। मतलब कि आपने चार इनपुट दिया तो आप जो वी लुकअप का फॉर्मूला, मान लीजिए वी लुकअप जैसा फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो यहाँ पे चार इनपुट का वेरिएबल डिसाइड करना। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे चाहिए लुकअप वैल्यू, तो पूजा वगैरह मैच करेगा, रेंज किसमें सर्च करना है और कौन से कॉलम का नंबर चाहिए। तीन इनपुट है तो तीनों का वेरिएबल मुझे यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि लुकअप वैल्यू में यहाँ पे एल एज ए, नाम कुछ भी दे दीजिए, एल एज ए हम दे दिए वेरिएंट, क्योंकि लुकअप वैल्यू कुछ भी हो सकती है, टेक्स्ट नेम डेटा कुछ भी हो सकता है, इसको वेरिएंट दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आर एज ए रेंज, हमें रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं, रेंज दे दिया। और कॉलम नंबर के सी एच ए हमने दे दिया यहाँ पे, लॉन्ग या इंटीजर भी दे सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन गया। अब बाहर आप देखेंगे अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बाहर, जैसे कि मैं काम करता हूँ इसको खाली कर देता हूँ सारी सीट। तो अगर मैं यहाँ पे या ए लुकअप लगाया, देखिए ए लुकअप आ गया। अब इसमें मुझे तीन इनपुट देने हैं। पहला इनपुट देना है पूजा। अब F18 की जो वैल्यू है वो L पे स्टोर हो जाएगी क्योंकि पहला पोजीशन L का है। दूसरा है रेंज, हमने रेंज को सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा A2 से A20 किस पे सेट हो जाएगा? R पे। और मुझे अगले कॉलम की वैल्यू चाहिए 1। ये हमारा डिसाइड हो गया।
फिलहाल जीरो आ रहा है क्योंकि हमने कैलकुलेशन किया ही नहीं। तो हमने फॉर्मूला का पहला स्टेप पूरा कर लिया, वो स्टेप है डिक्लेरेशन, हमने फॉर्मूले को डिक्लेयर कर। तो नीरज जी, जितेंद्र जी और बाकी लोग, फॉर्मूला डिक्लेयर करना आ गया? यस सर। फॉर्मूला डिक्लेयर करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं 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 सर। जितेंद्र जी आपको? सर तो पहला स्टेप हमने पार कर दिया फॉर्मूला डिक्लेरेशन, क्योंकि डिक्लेरेशन पे ही डिपेंड करता है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है आपका असाइनमेंट, मतलब कि रिजल्ट। तो तीन स्टेप्स होते हैं, तो पहला स्टेप हमने फॉलो किया। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं तो मेरे पास एक वैल्यू है, एक रेंज है, हमें उस वैल्यू को उस रेंज में मैच करना है और उसके अगली कॉलम की वैल्यू देना है। बात समझे? हमारे पास पूजा है, पूजा का मुझे इसमें मैच करना है और इसकी अगली कॉलम, जो भी कॉलम नंबर दिया है उसकी वैल्यू शो करना है। तो इसमें हम, हमारे पास एक रेंज है और मुझे ढूंढना उसी पर्टिकुलर रेंज में, पूरी सीट में नहीं है, पूरा कॉलम में नहीं, जितना रेंज फॉर्मूला लगाते समय यूजर देगा उतने ही रेंज में ढूंढना है। So, यहां पे 4 इंच लगेगा और जब भी हम 4 इंच लगाएंगे एक रेंज डिफाइन करेंगे, के एज ए रेंज, एक रेंज डिफाइन करना होगा। फिर यहां लगेगा कि 4 इंच के इन आर, मतलब यूजर ने जो वैल्यू दिया है उसके हर एक सेल को जाएगा, उसका नाम डालेगा के 1 by 1। फिर यहां पे मैच होगा कि इफ k dot value is equal to l, then क्या करना है, offset, then अब रिजल्ट भी चाहिए, तो यहां पे रिजल्ट के लिए हम यहां करते हैं dim p as a variant, क्यों, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लुकअप में कुछ भी होता है ना, then p equal to ऑफसेट, ऑफसेट नहीं, k dot ऑफसेट 0 row सेम रो एंड c कॉलम डॉट वैल्यू तोड़ना पड़ेगा। और यहां पे एग्जिट फंक्शन, उसको मिल गया तो आगे क्या चलना है, सिंपल सा। नहीं, एग्जिट फंक्शन में हम फिर पी नहीं देंगे, पी के जगह में देना पड़ेगा ए लुकअप। एक से होल्ड कीजिएगा, तो यहां पे ए लुकअप कर दिया, फिर यहां पे पी की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखिए, तो यहां पे दिक्कत क्या हुआ कि अभी नेक्स्ट आर करना पड़ेगा, तो हमने एंड, छोटी सी गलती हो गई, एंड इस दिया ही नहीं, रिजल्ट अब आएगा रिजल्ट, तो रिजल्ट 780 हुआ। तो बिल्कुल वी लुकअप की तरह काम कर रहा है, एक ही वैल्यू दे रहा है, लेकिन मुझे और वैल्यू चाहिए। ए फॉर्मूला समझ में आ गया ना, वी लुकअप की तरह जैसे काम कर रहा है। हेलो सर, इसमें एल का मतलब क्या होता है, इक्वल टू एल? एल हमारा इनपुट है ना, यहाँ पे एल इक्वल टू पूजा, हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किए ना, एल आर और सी। एल क्या है, जो लुकअप वैल्यू देगा, जैसे हमने यहाँ पे पूजा दी,
क्या है जो रेंज सिलेक्ट करेंगे वो सेट हो जाएगा, और सी है जो कॉलम नंबर देंगे, मतलब कि मुझे एल को आर के अंदर ढूंढना है। तो हमने फोर इच लगाया, बोला कि देखो कि भाई एक एक करके चेक करो कि तुमको कहां पे एल मिल रहा है, जहां पे एल मिल रहा है उसकी अगली कॉलम की वैल्यू मतलब कि सी की सी कॉलम की वैल्यू लुकअप पे स्टोर करके फॉर्मूला को क्लोज कर दो, समझे। मान लीजिए पूजा की जगह पे मान लीजिए मैं इसमें ओम दे देता हूं, तो यहाँ पे क्या हुआ ओम तो 82 दिया, तो क्या हुआ कि पहला चेक किया पूजा नहीं है, दूसरा चेक किया पूजा नहीं है, तीसरा चेक किया पूजा नहीं, चौथा चेक किया पूजा नहीं है, इंद्र चेक किया पूजा नहीं, ओम देखा हाँ ओम सॉरी माफ कीजिए पूजा नहीं ओम नहीं है, देखा ओम है। अब ओम इसको मैच कर गया तो हमने कॉमा वन दिया है जीरो और वन क्योंकि ऑप्शन जीरो चलता है, इसने इसकी वैल्यू शो कर दी जैसे वीलुकअप करता है। फिर नीचे उसने चेक ही नहीं किया कि ओम नीचे भी है, क्योंकि हमने यहीं पे एग्जिट फंक्शन लगा दिया कि रिजल्ट मिल गया तो बाहर निकलो। लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम है कि सबको आपस में ज्वाइन करना है इसकी तरह, तो मुझे यहां से एग्जिट फंक्शन हटाना पड़ेगा और फिर जो हमने किया था पी को डिफाइन यहां पे करना होगा कि डिम पी एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि जब कंबाइन होगा तो टेक्स्ट होगा, और यहां पे हम करेंगे पी इक्वल टू पी के साथ कॉमा के साथ ज्वाइन होगा इसकी वैल्यू, समझ में आया। अब देखिए अब यहां पे क्या हुआ, हमने फॉर्मूला कैलकुलेट हुआ, रिजल्ट तो आउट कहीं नहीं हुआ क्योंकि रिजल्ट तो पी पे स्टोर है और पी किसी को रिजल्ट दे तो नहीं रहा, तो रिजल्ट आता कैसे है, जो फंक्शन के नेम है उस पे हमें रिजल्ट असाइन करने होते हैं इस तरह से। तो फॉर्मूले के तीन स्टेप है, पहला है डिक्लेरेशन, दूसरी है कैलकुलेशन और तीसरा है असाइनमेंट, रिजल्ट असाइनमेंट। देखिए यहां पे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, आ गया। अब इसके आगे कॉमा लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, क्योंकि पहली बार तो पी ब्लैंक ही है ना क्या, तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि यहां पे आप राइट का फॉर्मूला लगा दीजिए और पी के साथ लेन और पी माइनस वन, अब आपका कॉमा नहीं आए। हमने बोला राइट से कंप्लीट लेंथ से एक कम वैल्यू उठा लो, हो गया। तो इसके अंदर जो हम कैलकुलेशन करेंगे, जो प्रोग्राम लिखेंगे, वही लिखेंगे जो अभी तक हमने सीखा है। अब यहां पे फोर ईच लगाने का पर्पस ये हुआ कि हमें जो लूप चलाना है एक पर्टिकुलर रेंज के चलाना, समझे। तो जो भी रेंज सेलेक्ट करेगा वो एक एक सेल को चेक करेगा, एक एक सेल की वैल्यू को मैच करेगा और ये काम कौन करवाएगा, फोर इंच। अब इसमें कोई डाउट या क्वेश्चन या किसी तरह का कंफ्यूजन है तो बताइए। अमित जी, अतीश जी, जितेंद्र जी या नीरज जी, हेलो। नहीं सर।